नेपाल वाले लोग यार बहुत प्यार करते हैं भाई। 8 घंटे का रास्ता है अप्रोक्स गोरखपुर का। ये जो हिल्स का एरिया होता है ना, कटता नहीं है, मतलब एक माउंटेन नहीं है, मतलब एक दो तीन ट्रक कहाँ घुस रहे हैं, गाड़ियां कहाँ घुस रही हैं, कोई सिस्टम से बनाना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? तो जी आज टाइम आ गया है पोखरा को बाय बाय करने का। बस क्या बताऊं, सीरियसली नेपाल वाले लोग यार बहुत प्यार करते हैं, मतलब इतना वेलकम करते हैं, इतने प्यार से, मतलब क्या बताऊं यार। मैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी अदर कंट्री में हूँ, और इन यहाँ के लोगों की फीलिंग्स, ट्रू लव, इतना रिस्पेक्ट। पैसे भी देते हैं ना तो दो हाथ करके देते हैं, मतलब किसी भी जगह चले जाओ, आपको आपने कुछ परचेज किया, आपको रिटर्न में मनी मिलेगी ना तो दो हाथ करके देंगे, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई नेपाल लव यू, बहुत मज़ा आया नेपाल आके, दोबारा मैं फिर आऊँगा नेपाल श्योरली, अगर ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो। हर जगह जाते हैं, मज़ा आता है यार, सब गाड़ी को देख के खड़े हो जाते हैं, सब पूछते हैं इंडिया से आए हो, कम, वेरी गुड थैंक यू, इंडिया नेपाल फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा लगा जी। तो आज बस आप लोगों की दुआओं से, प्यार से, यार बड़े दिन पहले सफ़र चालू किया था और दिल था कि बस कि लाइफ में पहला एक इंटरनेशनल रोड ट्रिप करना है, तो बस वो थोड़ा सक्सेसफुल हुआ। बस अब घर पहुंच जाएंगे, और अभी दो डेस्टिनेशंस और हैं, अभी हम जा रहे हैं गोरखपुर, वहाँ एक स्टे करेंगे, और क्योंकि यार सफ़र बहुत लंबा है, डायरेक्टली जाने में ना बड़ी प्रॉब्लम है, रेस्ट नहीं मिलता, तो गोरखपुर एक नाइट स्टे करेंगे, फिर उसके बाद कानपुर जाएंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत दिखाने को हुआ तो दिखाएंगे, नहीं तो हमारी मेन जर्नी थी दिल्ली से नेपाल तक की, वो सक्सेस हो गई, थैंक यू गॉड, बाबा बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, लाइफ में फर्स्ट टाइम किया ऐसा। तो चलो नेपाल, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड योर हॉस्पिटैलिटी, स्पेशली टीका रिजॉर्ट, और जहाँ भी मैं रुका काठमांडू में आमला, सब लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, स्पेशली दिल से धन्यवाद है प्रदीप भाई को। प्रदीप भाई थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आपने ऐसा इतनी हेल्प की लाइक अ बिग ब्रदर, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था किसी अदर कंट्री में जाके मिलेगी। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई। तो जी मिलते हैं, सफ़र चालू है अपना, अभी घर तक पहुँचेंगे दिल्ली तक, अभी चलते हैं गोरखपुर की ओर, और रास्ते में तो बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाएंगे ही आपको। चलिए तो जी होटल से चेकआउट हो गया है जी, और बड़ी रिस्पेक्ट रही यार, क्या बताएं, बस अभी जाते हुए भी वही इतना प्यार, हम बस वो व्लॉग में डाला नहीं हमने, मैं कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, पर बहुत रिस्पेक्ट दी भाई टीका रिजॉर्ट ने। बस अब निकल पड़े हैं जी हम पोखरा से, और अब चल रहे हैं अपना नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, गोरखपुर। और अभी हो रहे 12:30, 12:30 हो रहे हैं, 12:30 ये इंडियन टाइम आ रहा है क्या आ रहा है भाई, नेपाली टाइम क्या आ रहा है, पौने 1:15, तो नेपाल के 1:15 हो रहे हैं जी, और 8 घंटे का रास्ता है अप्रोक्स गोरखपुर का। अब अच्छा है ख़राब है कोई एक्सपीरियंस नहीं है, काठमांडू से यहाँ का तो बहुत ही वर्स्ट था, बस भगवान करे कि पोखरा से गोरखपुर का रास्ता सही हो। तो जी चलते हैं बस, और रास्ते में कुछ बढ़िया से नज़ारे मिलेंगे वो तो दिखाएंगे दिखाएंगे हम आपको, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ जब तक ये देखिए हम थोड़ा सा। भाई ये जो हिल्स का एरिया होता है ना, कटता नहीं है, क्योंकि वापसी जा रहे ना आते हुए तो इंटरेस्ट होता है बंदे को। अब नीचे उतर रहे हैं ना, कट नहीं रहा भाई, 4 घंटे हो गए, 12:30 बजे चले थे हम, और इस समय हो रहे हैं 4:30, और 4:30 घंटे में हमने 15 मिनट या 20 मिनट रुके हैं खाना खाने के लिए, और 10 मिनट एक और जगह रुके थे चाय पीने के लिए, तो ऑलमोस्ट अब 4 घंटे मान लीजिए, 4 घंटे में सिर्फ 100 किलोमीटर आए हैं हम, 100 किलोमीटर्स, यहाँ टाइम बहुत लगता है, कर गाड़ी चलती है 40 50, 40 50 बस, अब देखो कितनी देर लगती है और पहुँचने में। फिर मिलते हैं जी रास्ते में, चलते चलते, अभी सनसेट हो रहा है धीरे धीरे, अभी बहुत तेज है,
लेकिन देखिए आपको दिख रहा है बड़ा तेज आ रही है सनलाइट, तो बस यहाँ पे सनसेट थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये तो हम अभी नीचे आ चुके हैं इसलिए फिर भी नहीं हुआ, नहीं तो हम ऊपर थे तो जी ऊपर, तो हाइट पे तो आप ये रखाओ कि 3:30 बजे ही आपको ऐसे लगेगा जैसे सनसेट हो गया, मतलब सन दिखना बंद हो जाता है। तो जी गाड़ी से रुके हैं तो किसी मतलब के लिए रुके हैं, पर पता नहीं यार आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं तो बहुत ब्यूटी है बिल्कुल ना, ऑपोजिट सन आ रहा है और मतलब एक माउंटेन नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 7 माउंटेन्स की लेयर है। देखिए जरा पता नहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि सन आ रहा है बहुत ऑपोजिट, वो सामने ना माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं, अलग अलग लेयर्स बनी हुई है माउंटेन की बहुत सारी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है ये यहाँ से देखने के लिए, तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, लेकिन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं। चलिए कोई नहीं, शायद दिख ही जाए, फोटो क्लिक करके देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि फोटो डाल दें और आप देख सकेंगे ये व्यू क्या है। यहाँ से है व्यू बढ़िया, वैली भी और माउंटेन्स भी, वाह। क्या खूबसूरती है यार, गजब की। ग्रेट। पर यहाँ से वो लेयर्स नहीं दिख रही जो उस तरफ से दिख रही थी, वो मैं उधर से कहीं से दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको, उधर से ना ये उस वाली डायरेक्शन में वो बहुत सारी लेयर्स दिख रही थी, लेकिन वो तो देखो सन है ना, तो वो सनलाइट की वजह से दिखा नहीं पा रहा था। तो जी फाइनली हिल्स ख़त्म हो गई हैं, शाम के बज गए हैं 6:15 और हम चल चुके हैं 155 किलोमीटर। भाई 5.5 5.5 घंटे हुए, 155 किलोमीटर को 5 घंटे, और अभी लास्ट में जब ये ख़त्म होने वाला था ना हिल एरिया गोरखपुर की तरफ जाते हुए, भाई रास्ते की कंडीशन बहुत ख़राब है, बट जो काठमांडू से यहाँ आए हैं उससे तो लाख गुना अच्छा ये रास्ता। फाइनली देखिए बिल्कुल शहर सा आ रहे हैं, सीधी सीधी सड़कें, पता नहीं कितने दिनों के बाद देख रहे हैं यार, कमाल ही हो गया। मतलब जनकपुर से लेकर और अभी तक कितने हफ्ता हो गया ना, हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 10 दिन से सीधी सड़क नहीं देखी हमने कोई, हाँ पहले कौन सा उससे पहले भी नहीं देखी, थोड़ी थोड़ी देखी थी बस। तो अभी अभी भी कितना बच गया भाई, है अभी छः बचा है 26 किलोमीटर बचे हैं अभी भी सनौली बॉर्डर के, सनौली बॉर्डर पे है तो जी ये नेपाल ख़त्म हो जाएगा और अपना गोरखपुर यूपी चालू हो जाएगा, तो देखते हैं वहाँ कितनी देर लगती है और गोरखपुर कितने बजे। हम गोरखपुर सलोनी बॉर्डर, भाई क्या बताऊँ यार, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, ट्रक कहाँ घुस रहे हैं, गाड़ियाँ कहाँ घुस रही हैं, कोई सिस्टम से बनाना चाहिए बॉर्डर पे कि ट्रक की ही लेना है, गाड़ी की ही लेना है, बाइक की ही लेना है, सब खिचड़ी पकी हुई है, सब खिचड़ी, कोई कहीं से भी देखो, कोई कहीं से भी आ रहा है, कोई कहीं से भी जा रहा है, मतलब बॉर्डर नाम की कोई चीज़ फील नहीं हो रही मुझे कि ये बॉर्डर है, बॉर्डर तो भाई। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी होगी, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देखना ज़रूर, कि जब एंटर किया था हमने तो भंसार बनवाया था और उसमें उन्होंने क्या करा कि गाड़ी का नंबर ही गलत डाल दिया, गाड़ी मेरी दिल्ली की है, उन्होंने वेस्ट बंगाल का नंबर डाल दिया था किसी गाड़ी का, और भाई जब ऐसे कर रहे हो तो मतलब चेक तो करना चाहिए, भंसार का मतलब क्या है, एक बॉर्डर पे एक डॉक्यूमेंट बन रहा है और वो बेफजूल में बन रहा है ऐसे ही, मतलब किसी भी रीजन से। ओ भाई साहब यहाँ तो हाँ बैंड बजा दिए इन्होंने, कह रहे गाड़ी साइड में लगाओ और सारा लगेज उतारो चेक कराओ, मैंने कहा भाई साहब हम यूट्यूबर हैं ये देख लो ये लगा हुआ है वो है फलाना ढिमकाना,
कह रहा है कोई नहीं, एक दो बैग चेक करा दो लेकिन उतारो। हमने सोचा छोटे वाले निकाल लेते हैं, कह रहा नहीं वो डिक्की में जो बड़े बड़े पड़े ना वो, ये 30-30 किलो के बैग है भाई वो, लेकिन कह रहा नहीं चेक कराने पड़ेंगे। मैं कहा चलो ठीक है जी, आप अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आप भी गलत नहीं हो। कह रहा कोई नहीं दो बैग चेक करा दो, मैं समझ रहा हूँ तुम ठीक लोग हो। लेकिन एक तो ये ट्रक वालों के धुएं ने ना सब अंदर घुस गया एकदम, क्योंकि वो शीशा खोल के वो पहले आईडी वाईडी चेक कर रहे थे तो शीशा खुला रहा, 5-2 मिनट लग गए उसमें गाड़ी को ऐसे टॉर्च मार मार के देखने में, और ट्रक साथ में खड़े हुए, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, बहुत बुरा हाल था। तो फाइनली जी थैंक यू नेपाल फॉर योर लव, हम वापस अब इंडिया आ गए हैं, और इंडिया आने की भी खुशी है, लेकिन इंडिया आने की तो खुशी हमेशा रहेगी क्योंकि वी आर इंडियंस, ए प्राउड आवर कंट्री। सो बट पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि पोखरा, स्पेशली पोखरा को छोड़ के ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं अपना रिव्यू या कह लो या मुझे पोखरा जाके ऐसा फील हुआ कि यहाँ रहना चाहिए, यहाँ घर होना चाहिए। मतलब ऐसी जगह है ना पोखरा यार, अमेजिंग नेचर, फ्रेश एयर, नो पोल्यूशन, क्या खुली खुली सड़कें, कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। है सिटी लेकिन भाई अमेजिंग, मतलब दिल कर रहा है कि बस कभी यहाँ घर ले लें और यहाँ ही आके रह लें, ऐसी जगह है। मतलब ये देखो इतना बुरा हाल है यूपी में, देखो सब हाई बीम पे आ रहे हैं और सबको डिप्पर दे रहा हूँ कि भाई नीचे कर लो, डिप्पर चल रहे हैं, किसी को अकल ही नहीं है भाई। मतलब यार सिंगल रोड है, कोई बीच में डिवाइडर नहीं, कोई पटरी नहीं, ये देखो सामने देखो हाई बीम पे, अब देखो इसको कितना डिप्पर दे रहा हूँ मैं, ये देखो नहीं करेगा नीचे, नहीं करेगा, ये देखो इसको भी डिप्पर दे रहा हूँ, नहीं करेगा। मतलब हद है भाई, इतनी अकल तो होनी चाहिए गाड़ी चला रहे हो कि टिप्पर का मतलब क्या है, सामने वाला टिप्पर दे रहा है तो उसे नहीं दिख रहा इसलिए वो टिप्पर दे रहा है कि भाई नीचे कर ले, नीचे कर ले, नीचे कर ले, मतलब ही नहीं, अकल ही नहीं है। गोरखपुर पहुंच चुके हैं और बस होटल ले लिया है, यहाँ होटल लेना थोड़ा इजी था क्योंकि पहले भी मैं 2-3-4 बार गोरखपुर आ चुका हूँ, तो हम एक ही होटल में रुकते जा रहा था, पार्क स्ट्रीट बेस्ट होटल है ये, एम्बियंस आसपास की सराउंडिंग बेस्ट है, ये गोलघर में होटल है और नियर बाय सिटी मॉल है, तो आपको भी लोकेशन डालेंगे, सिटी मॉल पार्क स्ट्रीट, और अच्छी प्रॉपर्टी है, और अब तो और भी थोड़ी सी उन्होंने रेनोवेट कर दी है, और इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। तो बस भाई लगेज क्लियर हो रहा है, लगेज देखो जरा हमारा कि इतना सारा लगेज होता है ना यार, सब देख के हैरान हो जाते हैं कि बंदे दो और केस ब्रीफ केस इतने सारे, सबको लगता है कि बस क्या हो रहा है ये, और छोटा छोटा सामान बहुत सारा होता है हमारा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस व्हाट हैपेंड, नहीं नहीं कुछ नहीं गिरा। तो जी बस अभी रूम में पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं रूम कैसा है, तो थोड़ा बहुत बड़ा रूम नहीं है, थोड़ा सा छोटा रूम होता है, लेकिन होटल अच्छा है, चलते हैं रूम में। तो जी ये हमारा होटल है, दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, वो पार्क स्ट्रीट, अभी आपको रूम दिखाते हैं, बाकी इसका कंप्लीट व्लॉग डालेंगे जल्दी सुन। अरे मैंने एकदम देव और मंत्रणों की तरह थोड़े से टाइम अब ब्लॉग शूट कर रहे हैं क्या? यस ओके, घुमक्कड़ शर्मा जी सब लोग यार गोपुर देखते ही ना सब क्रेजी हो जाते हैं, और नीचे गाड़ी अभी मैंने पार्किंग में लगाई थी, ओ भाई भीड़ लगी, कम से कम 15 जने 20 जने गाड़ी को घेर के खड़े हुए। मैंने पार्क करी और मैं नीचे दोबारा गया ना देने देखने के लिए कि लगेज लेने के लिए, तो हुआ क्या, मैंने कहा मैंने गाड़ी खड़ी करी थी कहाँ गई भाई, जब देखा मेरे को पता नहीं भीड़ क्यों लगी हुई है, देखा सब लोग ऐसे सर्कलिंग मार के गाड़ी के पास खड़े हुए हैं। तो जी बस ये हमारा रूम है, दिस इज आवर रूम, मैं पहले ही दिखा देता हूँ यार, बाद में ना सब कुछ मेस्ड अप हो जाता है, थोड़ा सा स्मॉल है लेकिन एमिनिटीज की बात करें अंदर और फर्नीचर इंटीरियर इज वेरी गुड, एंड दिस इज आवर वॉशरूम, वाओ
स्पेशियस प्लेन, गुड इजंट इट? कम इन, आइए आइए आइए। अब देखिए अब हमारा लगेज, भाई ऐसा लग रहा है जैसे बारात आई हो कोई। लाओ भैया लाओ, चलिए जरा रूम वूम सेट करने, लगेज वगैरह अपना, फिर आते हैं आपसे, जल्दी से आएंगे, गुड नाइट करेंगे, क्योंकि भाई बहुत तेज भूख लग रही है और उसके बाद एडिटिंग करनी है। पूरा दिन निकल गया, 12:30 सुबह चले थे, 10:30 हो गए, 10 घंटे हो गए ड्राइविंग करते करते। बट हमें मज़ा आता है ट्रैवलिंग में, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा बोरिंग था, नथिंग एल्स, बाकी सब ठीक था। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम आए हैं जी स्टेशन के सामने, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये देखिए, ये भाई इंडिया, अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। एक प्लेटफॉर्म, मतलब 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स है ये, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। तो अभी यहाँ रोड साइड बहुत अच्छा फूड मिलता है, चटपटा, ये वो, अटरम बटरम। बड़े दिन हो गए भाई स्ट्रीट फूड नहीं खाया, तो इसलिए होटल के नीचे भी है कैफ़े उनका, रेस्टोरेंट, लेकिन आज मूड ही नहीं था वो खाने का। इतने दिनों से वही खा रहे हैं हम, कैफ़े रेस्टोरेंट्स, कैफ़े रेस्टोरेंट्स। आज मैंने कहा कोई चटकारे वाला फूड खाया जाए ज़रा। तो देखते हैं, ये देखिए जी गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो ये ऐसे मार्केट है, ये अप्रॉक्सीमेट रात को 2:30-3 बजे तक खुले रहते हैं ये, और कुछ तो 24 आवर्स ही हैं, सारा दिन ही खुले रहते हैं। तो देखते हैं कहीं क्या कुछ है मज़ेदार। तो जी खाना लेके आ गए हम। ओहो बाल टेढ़े मेढ़े हुए, चलो कोई नहीं, सारा दिन से ऐसे ही भाई। तो खाना लेके आ गए हैं जी हम बाहर से, यहाँ हमारा 1-2 फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ से ले आए, और बस अब खाना खाएंगे और वीडियो एडिट करेंगे, और कल का देखते हैं मॉर्निंग का क्या प्लान है, क्योंकि हमारी ये सिर्फ स्टॉपेज थी, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत हो सका तो दिखाऊंगा जरूर, जाते जाते सही। तो कल हम जाएंगे कानपुर और उसके बाद दिल्ली। थैंक यू जी सबका इतना प्यार देने के लिए, आप लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, व्यूज़ तो बहुत आते हैं यार, मैं रोज़ देखता हूँ इतने व्यूज़ हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के चले जाते हैं। भाई देखते हो तो एक सब्सक्राइब कर दो और एक बेल आइकन दबा दो यार, बढ़िया बढ़िया वीडियो। और भाई नेपाल वालों, गैंगटॉक सिक्किम वालों, इंडिया दिल्ली वालों को हमने तुम्हारा सिक्किम दिखाया है, और नेपाल काठमांडू पोखरा दिखाया है। तो भाई नेपाल वालों और सिक्किम वालों, तुमसे भी वादा है कि अब दिल्ली वापस जाके तुम्हें दिल्ली दिखाएंगे सारी। अब बैठे बैठे दिल्ली देखना, और जल्दी से दिल्ली आना और सब्सक्राइब करना चैनल को, फिर मैं घुमाऊंगा तुम्हें। जब दिल्ली आओगे मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। ओके तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही जी, गुड नाइट, हंसते रहो, वसते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे रहो, रब रखा।